हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ड्राफ्ट बूट रेजोल्यूशन। देखो, अक्सर अगर आप अपने कंपनी का भी अगर आप अपने कंपनी का बात करो, खुद की कंपनी का खुद से ही मैनेज करते हो, गवर्न करते हो किसी भी तरीके से, और या फिर हो सकता है कहीं आप जॉब कर रहे हो और वहां पे इस टाइप का रिक्वायरमेंट आता होगा, सो आप किस तरीके से अपने कंपनी का बूट रेजोल्यूशन खुद से बना पाओगे। देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना कोई बहुत बड़ा तोप का चीज़ नहीं होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ होता है। तो अपने इसको तीन इजी सिंपल स्टेज में सीखेंगे, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप में से किसी को भी बोर्ड रेजोल्यूशन बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। स्टिल आता है तो मेरा सारा डिटेल व्हाट्सएप में रखा हुआ है, आप एक बार पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, BR पहले तो जब भी आप बोलोगे, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं BR, ठीक है। आप अक्सर देखोगे बैंक बोलेगा भाई एक तो BR चाहिए। अब ये BR का मतलब क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन। होता क्या है, कोई भी कंपनी में मीटिंग्स होती है, ठीक है। कंपनी तो खुद में कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। कंपनी क्या है? कंपनी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कंपनी तो एक्ट के थ्रू बना हुआ है। तो एक्ट एग्जिस्टेंस किसके थ्रू, ये कंपनी किसके थ्रू एग्जिस्ट कर रही है? डायरेक्टर्स के थ्रू, बोर्ड के थ्रू। तो बोर्ड को मीटिंग करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जब बोर्ड मीटिंग करता है ना, तो ढेर सारे एजेंडा लेकर मीटिंग करते हैं कि ये वाला एजेंडा के ऊपर डिस्कस करना है, क्या ये मैटर पास हुआ नहीं हुआ। तो उस मीटिंग में जो आउटकम निकलता है, जो रिजल्ट आता है कि भाई ये वाला मैटर पास हो गया, या फिर ये वाला मैटर में कौन ऑथोराइज होगा, क्या होगा, उसी मीटिंग के एक्सट्रैक्ट को, एक छोटे से अंश को बाहर निकालने को बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। एक मीटिंग में चार बातें डिस्कस हुई, ठीक है, कि अपने बैंक में मिस्टर शर्मा को ऑथोराइज करते हैं, मिस्टर शर्मा जी पूरा बैंक देखेंगे। वर्मा जी को दे दिया गया कि भैया आप गाड़ी वाड़ी का जितना चीज है वो देख लो, और कोई मिस्टर कोई है, मिस्टर एक्स वाई, उनको कोई और बिजनेस दे दिया गया। बैंक वाला बंदा बोलता है कि आपने जो मिस्टर शर्मा को ऑथोराइज किया है, मेरे को उसका बोर्ड रेजोल्यूशन दीजिए। तो उस मीटिंग में चार बातें डिस्कस हुई थी, जिसमें एक बात क्या थी कि शर्मा जी को पावर दिया गया था बैंक को डील करने के लिए। तो ये जो चीज है, इसी को निकालना, इसी को एक्सट्रैक्ट करना उस मिनट से, बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना। बोर्ड रेजोल्यूशन कभी बनेगा ना, तो वो बनेगा आपका लेटर हेड ऑफ द कंपनी, ऑफ कंपनी, कंपनी के लेटर हेड बनेगा। मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, जो आपको दो मिनट बनाने का सीख जाओगे, ठीक है। दो मिनट में बोर्ड मीटिंग कैसे बनता है, आई विल टीच यू, डोंट वरी, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना, अगर बेनिफिट मिल जाए तो, ठीक है, मतलब वो बेनिफिट वापस आ जाएगा, बता रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करके आना। आगे बढ़ते हैं। जब भी BR बनाओ, सबसे पहले एक स्टार्टिंग में एक स्लोगन लिखा होता है। स्लोगन मतलब, अब ये एक हिस्सा होता है, ठीक है, पहला अंतिम भाग में करके बता रहे हैं, पहला ये हिस्सा, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन, मतलब आपका हेडिंग, किस चीज का ये BR है समझ लो, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इंट्रो, ठीक है, फिर आता है रेजोल्यूशन। रिजॉल्व दैट, ये स्टार्ट होता है रिजॉल्व दैट से, आपका पूरा सेंटेंस जाएगा, और एंड होता है यहाँ पे ऐसे कॉलम करके, ठीक है। एक रिजॉल्व दैट हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे फिर फर्दर स्टार्ट हो जाएगा, FURTHER, फर्दर रिजॉल्व दैट, ठीक है। फर्दर रिजॉल्व दैट बोल के फिर स्टार्ट हुआ, फिर कहीं जाए खत्म हो गया, फिर अगर जरूरत पड़ गया आपको कुछ और बात लिखना है, तो फिर से स्टार्ट होगा फर्दर रिजॉल्व दैट। अब ये आपको जितना बार फर्दर रिजॉल्व दैट करके करना है वो आप कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि भैया ये फर्दर रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व दैट मतलब क्या हुआ? देखो, रिजॉल्व दैट में बोल सकते, सपोज करो आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना था, तो पहले रेजोल्यूशन बोलिए कि भाई हम लोग मिस्टर एक्स को, जिनका टिन नंबर ये है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। फर्दर रिजॉल्व दैट, फिर से रिजॉल्व करते हैं कि कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के पास पावर होगा, वो सारा फाइलिंग ROC को एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लो और किसी और को पावर दिया गया है कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिस्टर वाई करेंगे, तो फर्दर रिजॉल्व दैट मिस्टर डैश हैज पावर कि अपॉइंटमेंट लेटर एंड बाकी का चीज जो है वो मैटर को देखेंगे। तो इस तरीके से जितना आपका टॉपिक है, जितना आपका पॉइंट है, उसको रिजॉल्व दैट या फर्दर रिजॉल्व दैट करके लिखा जाता है सिंपल भाषा में। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में लिख देता है कि भाई चेयरमैन इन्फॉर्म करता है बोर्ड को, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका कोर ऑब्जेक्ट है, जिस चीज के लिए भी आप BR बना रहे हो, उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन देता है कि चेयरमैन से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, चेयरमैन इन्फॉर्म द बोर्ड कि ये चीज करने का जरूरत है, ठीक है। बोर्ड डिस्कस्ड एंड पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, ये एक बहुत ही कॉमन लाइन है जो हर कोई चिपकाता है, ठीक है। फिर स्टार्ट होता है रिजॉल्व दैट, यहाँ तक खत्म। अब जैसे ही ये आपका फाइनल रेजोल्यूशन खत्म हो जाता है, इसके बाद देखते हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, FIED TRUE COPY, ये आपका कैपिटल लेटर में था, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी या फिर सर्टिफाइड टू बी ट्रू, ये भी लिखते हैं सर्टिफाइड टू बी ट्रू, ठीक है, जो भी
नेक्स्ट स्टार्ट होता है सर्टिफाइड टू बी ट्रू, ज्यादा लिखते लो, और कंपनी का नाम यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा एक्चुअल बोर्ड रेजोल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे साइन होता है जो डायरेक्टर रहता है, उस डायरेक्टर का फुल नेम, उसका डेजिग्नेशन, ठीक है, और उसका डिन नंबर। याद रखना बोर्ड रेजोल्यूशन जब भी बनाओगे डिन नंबर होना कंपलसरी है, उसका डेजिग्नेशन होना कंपलसरी है, नाम उस डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। गुड प्रैक्टिस बोलता है कि आपको डेट एंड प्लेस भी लिखना चाहिए, लोग नहीं लिखते तो भी चलेगा, बट एक अच्छा प्रैक्टिस बोलता है कि जब भी साइन होता है तो वो कहाँ साइन हुआ है और किस टाइम पे साइन हुआ है ये लिखा होना चाहिए। बहुत लोग को नहीं पता होता है तो पता होना चाहिए। इस वाले गैप के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, इस वाले गैप के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला सिंपल क्या था, लेटर हेड में होना चाहिए। लेटर हेड के अंदर क्या क्या होता है, कंपनी का नेम होता है, कंपनी का सी आई एन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके साथ साथ कंपनी का एड्रेस होता है और कंपनी का ईमेल आईडी होता है। ये चार इन्फॉर्मेशन अगर ऊपर में लिखा हुआ है तो वो लेटर हेड मान लिया जाएगा एंड इट इज वेल कंप्लायंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो फिर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्लियर है। ये वाला स्टेटमेंट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वेट। तो बी आई स्टार्ट क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहला स्टेटमेंट खत्म, फिर एक हेडिंग जो आपका जिस टॉपिक की, अगर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट तो लिखोगे ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रहेगा तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रहेगा, ऑथराइजेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो ऑथराइजेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो भी रहेगा। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, चेयरमैन इन्फॉर्म द बोर्ड दैट कंपनी को जो भी आपका हेडिंग है उससे रिलेटेड सेंटेंस, एंड देन बोर्ड आफ्टर डिस्कशन पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, डैश देखे स्टार्ट कर देंगे रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट, और जो पड़ा तो और फर्दर रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज सर्टिफाइड टू बी ट्रू फॉर कंपनी का नाम, डैश यहाँ पे साइन हो जाएगा। डायरेक्टर का स्टैम्प, कंपनी का स्टैम्प जरूरी होता है लगाना, ठीक है। फिर कंपनी यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन एंड डिन नंबर, इज इट कूल, इज इट क्लियर। आइए अभी थोड़ा सा आपको इजी वाला चीज सिखाते हैं, ठीक है। आप बोलोगे भैया इजी वाला चीज क्यों सिखा रहे हो, सिखा देता हूँ। आप हमारे साइट पे आओगे द लीगल टाइम के ऊपर, सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, मतलब अभी तक तो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से इन द सेंस बहुत हद तक बहुत सारा रेजोल्यूशन नहीं आ पाया, अभी ऑन एन एवरेज 15 रेजोल्यूशन ही इसमें ऑनबोर्ड हो पाया, बाकी का धीरे धीरे ऑन टाइम हो जाएगा, ठीक है। आपको ब्लॉक के कॉलम में आ जाना, या फिर शायद बाद में यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया जाए ड्राफ्ट को डाउनलोड करने का, ठीक है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे को बोलना होगा, आईटी वाले को बोला होगा, उस टाइम तक किया जाएंगे। सो जो भी है आपको उस टाइम तक ये जब भी आप देख रहे हो बाद में आज से 15-20 दिन बाद, तब तक ये सारे ऑप्शन शायद यहाँ पे भी विजिबल हो जाए, कोई ऑप्शन यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे मे बी, या फिर अगर आपको नहीं मिलता तो ब्लॉग सेक्शन में जाओ, ठीक है, ये ब्लॉग सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, अगर आपका जो भी टॉपिक है आपको स्पेसिफिक जब आप क्लिक करोगे ना उस वक्त, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आप रेजोल्यूशन कहीं से भी उठा सकते हो इंटरनेट से, ऐसे करके टॉपिक पूरा मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब सपोज करो मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑल्टर, तो मैं इस रेजोल्यूशन पे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, एकदम इजीएस्ट वे ऑफ ड्राफ्टिंग बोर्ड रेजोल्यूशन है, ये फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को मैं फिलअप करूंगा और जनरेट ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा, पूरा का पूरा बोर्ड रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक जनरेट होकर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखते हैं दूसरा वाला करते, कुछ और करते, रुको ऑडिटर अपॉइंटमेंट का बस छोटा सा, चलो चेंज ऑफ एड्रेस विद इन लोकल लिमिट, ये वाला अक्सर यूज होता है। सारा आपको ऐसा ही सेम फॉर्मेट में मिलेगा, यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म के बाद नीचे में जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। नेम ऑफ द कंपनी, सपोज करो मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिखता हूँ, डे ऑफ मीटिंग मंडे, डेट ऑफ मीटिंग पहले मंथ है तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। टाइम ऑफ मीटिंग सपोज 10:00 AM, एड्रेस ऑफ द कंपनी कोलकाता, डायरेक्टर मिस्टर या मिसेस जो भी आप देख लेना, मैं अपने आप को डायरेक्टर बनाता हूँ। करेंट एड्रेस ऑफ द कंपनी क्या है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल इन, ठीक है। न्यू एड्रेस क्या होने वाला है, 10/2 ठीक है। अब किस दिन से ये बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगा, मतलब ये मीटिंग चेंज हो जाएगा, कौन डायरेक्टर ऑथराइज करने के लिए, अब उसका डेट नंबर वगैरह डाल दो,
जनरेट ड्राफ्ट करोगे अभी देखो पूरा का पूरा रेजोल्यूशन आपका ड्राफ्ट को क्या क्या। अब सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कोलकाता वगैरह कैप्स में लिखा हुआ है, तो आप उतना कुछ ऐसा नहीं कि ये पूरा फॉर्म हट जाएगा। सर इसको हटाओ, इसको छोटा करो, कोलकाता इंडिया ठीक है, पिन जस्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करो। देखो ये जो आपका चेंजेस था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो छोटा सेंटेंस में आ गया, जो स्टार्टिंग में लिखते हैं वो यही लिखते हैं, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑन कौन से डेट, डे पे हुआ है मंडे, डेट टाइम एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी और कंपनी का एड्रेस। आपको ये जो ऊपर का पोर्शन बोला था ना मैंने, ये वाला पोर्शन ये कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे लिखना है, अगर ये वाला समझ में ना आए तो कोई भी रेजोल्यूशन उठा रहा जिसका ये जिसका मतलब कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन उठा रहे ना, उस बोर्ड रिलेशन का ये वाला पोर्शन आप आराम से यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट ड्राफ्ट नहीं मिलता है तो ऊपर वाला कॉपी करना है तो ये आप उठा सकते हो, अदरवाइज आपका अगर सेम मिल जा रहा तो पूरा का पूरा कॉपी टू फ्लिपबोर्ड कर लो ठीक है, और डाउनलोड एज वर्ड भी कर सकते हो, बट शायद ये काम ना करे ठीक है, सभी सिस्टम में अभी काम नहीं कर रहा है तो इस पर भी काम चालू है, थोड़ा टाइम लगेगा। लिख लेते हैं, जैसे मैंने कॉपी टू फ्लिपबोर्ड किया है आ गया पूरा। आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लो थोड़ा सा, भाई इसको मोटा बोल्ड करना होता है बोल्ड कर लो ठीक है। यहाँ पर अपना हेडिंग वगैरह जो भी आप अपने हिसाब से थोड़ा 19-20 क्यों भी रहेगा वो आप डाल दो, ये सब गैप वैप ज़्यादा है उसको थोड़ा अपने हिसाब से आप मेंटेन कर लो सिंपल। अब मान लो रेजोल्यूशन आपको चाहिए, रेजोल्यूशन आपको एग्जैक्ट आपको जो रेजोल्यूशन चाहिए वो हमारे साइट पे ऊपर अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल है, इस सिचुएशन में क्या करो आप सिंपल गूगल पे जा सकते हो, वहां से रेजोल्यूशन ले सकते हो। अब भाई तुमको वो भी नहीं आता है, तुमको वो भी नहीं आ रहा है, देन वॉट यू कैन डू, यू कैन गो टू चैट जीपीटी, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी रेजोल्यूशन देख लो। कोई भी रेजोल्यूशन उठा के लाओ, बिकॉज चैट जीपीटी को एज अ सैंपल एक रेजोल्यूशन चाहिए होगा ठीक है। अब मान लो यही वाला रेजोल्यूशन है, रिजॉल्व दैट वाला सिस्टम मैंने उठा लिया, सब पोस्ट करो ठीक है, कॉपी चैट जीपीटी पे जाऊंगा पेस्ट। अब यहां पे मेरे को बोलना पड़ेगा आई नीड ड्राफ्ट use the above AB OB above draft as reference. जो भी आपका कंटेंट है आपके हिसाब से इसको प्रोवाइड करो, आपका जो रेजोल्यूशन, अच्छा ये पूरा कोडिंग टाइप कर दिया तो वो नॉर्मल आपको बोलना होगा जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट, ये पूरा आपको बढ़ा के दे देगा। तो आप अपने हिसाब से अपने कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन आप खुद से बना सकते हो, दिस इज स्पेसिफिकली, देखो बी आर बन के आ गया। अब इसमें क्या मिस्टर जॉन्स ऑन डायरेक्टर ऑफ कंपनी ऑथराइज सेंट्रल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज सबमिट वेरियस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली कम्युनिकेशन रिप्रेजेंटेशन, दिख रहा है ये आपका उस रिकॉर्ड की को उस फॉर्मेट को लिया और उसके हिसाब से इसने पूरा का पूरा बी आर आपके लिए आपके अकॉर्डिंग बना के दे दिया। आपको जो चलता है जमता है रखो, जो नहीं जमता है मत रखो। अगर आप चैट जीपीटी में जाकर डायरेक्ट बोलते हो कि भाई बोर्ड रेजोल्यूशन बना के देते तो उसको नहीं समझ आता कि इंडिया का चाहिए, यूएस का चाहिए, यूके का चाहिए, नाइजीरिया का चाहिए, कोरिया का चाहिए, पता नहीं उसको ठीक है। तो उसको आपको एक सैंपल पकड़ा देना होगा कि भाई देख ये वाला ऐसा ड्राफ्ट है किसी और चीज का, मेरे को इस चीज का ड्राफ्ट बना के देते, ये वाला पैटर्न को यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राफ्ट दे दिया। अब आपको यहाँ पर ड्राफ्ट मिल गया, लेटर हेड के ऊपर वाला जो पोर्शन था तो वो आपको मेरे साइड से मिल गया। तो इस तरीके का आप जुगाड़ करके खुद की कंपनी के लिए अपना बी आर बना सकते हो, बिकॉज एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाने का चार्जेस 200-500 रुपए लोग चार्ज कर देते हैं ठीक है। आप किसी फॉर्म को बोलते हैं कि भाई मेरा एक बी आर बना दीजिए, और अगर आप उसके रिटेनर क्लाइंट नहीं हो, अननोन क्लाइंट हो, तो वो 500 रुपए आपसे चार्ज करने वाला है। तो आप इस तरीके से अपना खर्चा बचा सकते हो, और अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो ऑल्सो वो भी बेनिफिट कर सकते हैं। बस जो शॉर्टकट के तरीके थे मैंने वो बताया है, ये सारे शॉर्टकट के तरीके मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी है जो आपको बताना चाहता है।
नॉर्मली एक घटिया ट्रेंड क्या आता है ना कि आप खुद से मेहनत करो, ठीक है, जो करना है आप खुद से बनाइए, पुरानी सभ्यताओं का पालन करते हुए चलिए। हम मतलब जो आज से 5 साल 7 साल पुराने या 10 साल पुराने लोग हैं, वो जो थोड़ा ओल्ड मतलब पुराने सिस्टम वाले हैं, ठीक है, जो कंपनी ने 1956 पढ़ गए हैं, उनका यही सिस्टम आज भी रहेगा, आपको जनरली देखने मिलेगा कि वो एक ही चीज बोलेंगे कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन खुद से ड्राफ्ट करना होगा। आप खुद से लिखोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिमाग स्ट्रांग होगा, आप सोच पाओगे, आप कुछ अच्छा लिख पाओगे। बट एट द सेम टाइम आई हैव द टेक्नोलॉजी, आई शुड नॉट यूज इट, मेरे को यूज करना बनता है। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई कि मेरे दादाजी के समय में रेडियो हुआ करता था तो मैं आज भी चिट्ठी ही लिख के भेजूं कि मेरा हाथ से लिखने का प्रैक्टिस अच्छा रहे, मेरे सामने लैपटॉप है, आई विल यूज दैट लैपटॉप, ठीक है। तो आज के समय में इफ यू आर नॉट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप AI को यूज नहीं कर रहे, अगर आप सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आई विल इम्प्रूव माई क्या बोलते उसको खुद की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो मेरे को लगता है। बिकॉज टाइम सेव करना अभी सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है, टाइम को सेव करना इज मोस्ट चैलेंजिंग। आपका कॉम्पिटिटर अपना टाइम सेव कर रहा है बाई यूजिंग AI एंड ऑल द मीन्स, उसको कम स्टाफ का जरूरत पड़ता है, आप शायद 2-3 स्टाफ 2-3 ट्रेनिंग वगैरह लेके बैठो मे भी, तो उस सिचुएशन में वो बंदा एक बंदा बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक ड्राफ्ट बना के पकड़ा रहा है। आफ्टर यूजिंग AI एक ही बंदा 2-2 1 घंटे में 2-2 3-3 चीज कंप्लीट कर पा रहा है, तो वहाँ आपका कॉस्ट सेव हो रहा है, आपका कॉम्पिटिटिव कॉस्ट सेव कर रहा है और आप नहीं कर रहे। तो दिस इज वॉट आई फील सो। सो आपको अगर लगता है कि भाई ड्राफ्ट तो मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन तो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन से ही बनना चाहिए, खुद से ही बनाना है सब कुछ, तो आपकी इच्छा है, वो भी गलत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई टाइम बचाना जरूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी, तो उस सिचुएशन में आप ये सब तरीका भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपका टाइम बचेगा, कुछ अच्छी जगह भी यूज कर पाएंगे इसमें। तो ये खैर हो गया मेरा BR बनाने का तरीका, जो कि अगर आप खुद के कंपनी को खुद से कंप्लायंस करना चाहते हैं, खुद के कंपनी का आप बेसिक नीड जो है वो रिक्वायर्ड फुलफिल करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से BR बना सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी BR बन चुका है, मेन देखो एक और चीज बताता हूँ, आपका जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन है आप या तो उसको ROC के पास सबमिट करो, बैंक के पास सबमिट करो, किसी बॉडी के पास सबमिट करो, ठीक है। अब वो सही है या गलत है इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखो बोर्ड रेजोल्यूशन सही या गलत नहीं होता, क्लियर बोल रहा हूँ, मतलब दावे के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि ये BR गलत बना है, उसमें ऑथोराइजेशन, उसमें जो पर्पज है शायद वो ना मीट कर रहा हो, बट ऐसा नहीं होता है कि मैंने अपने लिखने का जो तरीका यूज किया है वो तरीका इनवैलिड कर दिया था, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हो सकता है मेरे को यहाँ पे मैंने किसी मिस्टर एक्स को ऑथोराइजेशन करना था, मैंने उसको ऑथोराइज नहीं किया, हो सकता है ऑथराइजेशन के बाद अमाउंट का भी लिमिट देना था कि उसको अप टू 50 लाख के लिए मतलब ऑथराइज करना है, वो अमाउंट का लिमिट नहीं दिया, हो सकता है कोई और एक्स्ट्रा चीज का रिक्वायरमेंट रहा हो जो मैंने नहीं दिया, तो उस चीज की वजह से वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका एक BR के अंदर कोई ऐसा बहुत हाथी घोड़ा वाला चीज है जिसका रिक्वायरमेंट जो नहीं डाला गया तो वो BR गलत हो जाएगा, ऐसा काट देगा टीचर आके एग्जाम में एकदम जीरो दे देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जो भी BR पकड़ाएंगे बैंक को, वो बंदा जो बैंक का बंदा है जो बोर्ड रेजोल्यूशन लेता है, इज अ मैनेजर, राइट, हाईएस्ट पोजीशन क्या था, ब्रांच मैनेजर, वो ब्रांच मैनेजर थोड़े कोई कंपनी सेक्रेटरी बैठा हुआ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है या कोई लॉयर बैठा हुआ है, वो बंदा तो अपना डिफरेंट स्टडी दूसरी जगह से कुछ और पढ़ के आया, उसको पता है कि ये बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, बट प्रैक्टिकली थिंग्स, मेरा कुछ दोस्त लोग हैं जो लोग बैंक में मैनेजर, तो उनका ट्रेनिंग कैसे होता है, उनको पकड़ा जाता है कि भाई ये देख ऐसा एक रेजोल्यूशन होता है, ऐसे कागज पकड़ा के सिखा दिया जाता है कि भाई देखो ये इसको बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, ये कंपनी के लेटर हेड पे होगा, क्लियर है, जो डायरेक्टर साइन करा उसका सारा डिटेल होना चाहिए, ये रहना चाहिए, और किसको ऑथराइज करे उसका नाम रहना चाहिए, क्या अमाउंट है वो होना चाहिए, तो बेसिक थी, बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको पूरा एक्सपर्ट बना के बैठाया गया कि भाई एकदम एक्सपर्ट लेवल का करना है तभी चलेगा, ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। बैंक वैंक के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप कोर्ट वोट में दे रहे हो तो भी एक बेसिक लेवल का चलेगा, लैंड वैंड सेल वेल के लिए यूज होता है तो बेसिक लेवल का चलता है। हाँ, आपको रिक्वायरमेंट कब होता है, एक्सपर्टीज कब चाहिए होता है, जब आप लिस्टेड कंपनी की बात करो, जब आपका PR जो आप प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करो, स्टॉक एक्सचेंज में भेज रहे हो, ROC में भेज रहे हो, तो वहां पे दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, वो लोग एक बार देखते हैं कि क्या है, तो उस सिचुएशन में आप खुद से ड्राफ्ट करोगे नहीं। उस लेवल पे अगर आपको अपनी ड्राफ्टिंग भेजनी है तो आप ये वाला वीडियो में ऐसे झापा झूठी वाला सिस्टम नहीं यूज करेंगे, बिकॉज आपके पास खुद का इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है, तभी आप वहां पहुंच रहे जो भी है।
दोस्तों आई होप आपको बीआर से रिलेटेड सारा पॉइंट क्लियर है कि बीआर बनाना कैसे है और बीआर को मतलब जो आपका डर है ना वो फियर खत्म हो गया होगा अब मेरे को जो लगता है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन जो कंपनी की भाषा है अल्टीमेटली तो ये बनता है ना कि बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी की भाषा है। अब हो सकती है किसी कंपनी की भाषा एकदम फ्रांस वाली हो, एकदम यूएस वाली, एकदम मक्खन वाली होंगी, तो हो सकता है किसी कंपनी की भाषा एकदम मतलब नॉर्मल हो, थोड़ा कम इंग्लिश हो, ज्यादा अच्छा इंग्लिश ना हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम अगर कमजोर इंग्लिश लिख दिया तो कोई पाप कर दिया, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रेजोल्यूशन का क्या हो तो कितनी है, ठीक है। दिस वीडियो वॉज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं और खुद के कंपनी के लिए छोटे छोटे रिक्वायरमेंट के लिए बार बार दौड़ना पड़ता है कि सर जी मेरा ये छोटा सा काम कर दो, सर जी मेरा छोटा सा काम कर दो, तो उस चीज का वो ट्रॉमा ना हो सके इसलिए ये वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ये मेरा डिस्क्लेमर था, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और अगर आपको हमारे साइट के ऊपर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बीआर चाहिए, जैसे फॉर्म भर दो और पूरा बीआर रेडी हो जाए, तो जस्ट कमेंट करिए आप मेरे को कि किस किस टॉपिक के ऊपर आपको बोर्ड रिलेशन का ड्राफ्ट विथ फॉर्म्स, मतलब पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है, पूरा बीआर रेडी हो जाए, आप डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाए, अपनी लेटर हेड पे आप प्रिंट कर लो। इस तरीके का अगर आप ड्राफ्ट चाहते हो, इस तरीके का आप काम चाहते हो, तो आप कमेंट करिए और इसको शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। ज्यादा कमेंट आएगा तो आई डेफिनेटली मैं ये सब करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बॉस आपको भी पता होगा ये क्या बोलते हैं उसको, ये सब चीज करवाने में खर्चा आता है हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखता है, बट फॉर अस, फॉर मी बेसिकली कॉस्ट आता है, ठीक है। तो गूगल का फॉर्म भरते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, तो सर वहां भी हमारा खर्चा, मेरा तो खर्चा आता है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। खैर जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।